अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजियाज लाइव। कैसे हैं आप लोग? आज दोपहर से मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज काम पड़ गया था, आज बाजी नहीं आई थी मेरी, इस वजह से। तो मैंने सोचा आज एक व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि मेकअप भी वीडियो बना ली है मैंने, इस वजह से। अभी इंशाल्लाह फिर एक इसके बाद एक फिर मेकअप वीडियो आपके लिए आएगी। तो अभी मैं लंच करने बैठी हूँ, बज रहे हैं 2। आज देखिए मैं पाव भाजी मैंने बनाई थी और उसके साथ अगर बटर नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता, और पाव मैंने सेक लिए हैं। तो बस मैं खाने जा रही हूँ, बिस्मिल्लाह करने जा रही हूँ। और पाव भाजी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे क्राइम पेट्रोल चल रहा है साथ साथ। मैं भूल ही गई कि सॉरी गाइज मैं भूल गई थी क्राइम पेट्रोल भी चल रहा था, पीछे आवाज़ आ रही होगी उसकी। तो क्राइम पेट्रोल के साथ साथ मैं अपना खाना फिनिश करके फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। आपको आज लेके चलूँगी अपने साथ डिनर में कि मैं क्या बना रही हूँ आज। वैसे मैं एग करी बना रही थी, तो आई थॉट के आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करना अच्छा रहेगा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि एक जने का आया था कमेंट कि आप जब बनाते हो तो रेसिपी शेयर किया करो, क्योंकि वो ट्राई करती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनका नाम मैं यहाँ दे दूँगी, मैं नाम भूल गई हूँ एक्चुअली उनका, समरा खान है, समरा। तो मैं आपसे थोड़ी देर में, और एक कमेंट आया है, हाँ, और एक कमेंट आया है कि आप अपनी मामी को दिखाइए। तो गाइज अगर वो आना चाहेंगी, क्यों नहीं, कोई कोई होता है कैमरा शाय, अगर वो आना चाहेंगी मैं उनसे कन्वेंस करूंगी कि वो अगर आएंगी तो ठीक है, वरना फिर मुझे ही देखिए आप लोग। तो मैं खा के इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। सो हे गाइज, खाना खा चुकी थी मैं, दोपहर में लेट गई थी, आई वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज आज बहुत काम है। थोड़ा मशीन में भी कपड़े अभी लगे हुए हैं, कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो एज यूजुअल मैंने सोचा आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, बिकॉज मेरे को कमेंट्स आते हैं कि आप रेसिपी भी शेयर करो साथ में। तो इंशाल्लाह मैं एग करी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करना अपनी। सो गाइज, आपको मेरे स्किन पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैक जो मैंने अपने वीडियोस में शेयर करे थे आप लोगों के साथ, समर पैक्स जो शेयर करे थे वो सारी स्किन के अकॉर्डिंग था, और उसमें प्रॉपर्टीज भी मैंने मेंशन करी हुई थी कि मैंने क्या क्या उसमें डाला है और क्या चीज़ किस लिए यूज़ होती है, किस लिए लगाई जाती है। तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, स्किन केयर पर जाके आप देखिएगा वो, और आपको भी लगेगा फ़र्क, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी स्किन पे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलते हैं किचन में, बहुत बातें हो गई। सो गाइस, मसाले में देख लीजिए, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1 टेबलस्पून भर के, गरम धनिया पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, रेड चिली पाउडर, और एक जो बड़ी प्याज थी उसको मैंने पीस लिया था, एक बड़ा टमाटर है उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था, और 3 अंडे मैंने उबाल लिए थे, अंडे आप अपने हिसाब से रखिए, 2 आलू को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, और 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये सारा सामान जाएगा, आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना। तो कुकर में बनाती हूँ क्योंकि एक ही सीटी में आलू भी गल जाते हैं और जल्दी से सालन बन के भी तैयार हो जाता है। सो गाइस, 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें, और 10 से 12 मेथी दाने डाले हैं उसमें, मेथी दाना से भगाते हैं इसको, और जब वो ब्राउन हो जाए जब वो, तो उसमें प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अगर आपको सब डालना है एक साथ तो आप वो भी कर सकते हो। एक्चुअली मैंने अलग अलग चीज़ में करके रखा था इसलिए मैं इसको अलग अलग डाल रही हूँ, और यहाँ पे पाउडर मसाले भी डाल लिए मैंने, और इसको अच्छी तरीके से भूनना है आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेल ऊपर आ जाए, देखिए तेल तो अभी भी ऊपर आ गया है, लेकिन जब तक मसाले जब तक नहीं होते हैं, जब तक वो अपनी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाते, मैं आपको वो भी बताती हूँ। बहुत सारे बोलते हैं कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा, ये देखिए ये जो आपके जो मसाले हैं उसमें एक दरदरापन, जो एक फट जाती है कोई चीज़ तो कैसे वो दरदरापन, ये देखिए, जब तक ये स्टेज पे आपका सालन या कोई भी मसाला नहीं भूनता है, तो आपका सालन या कोई भी सब्ज़ी के लिए आप मसाला भून रहे हो वो अच्छी टेस्ट नहीं आएगी। जब तक ये स्टेज पे आपका मसाला ना हो जाए तब तक आपको पानी वानी कुछ भी नहीं डालना, अच्छे से उसको भून के फिर उसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है, और एक तरफ मेरे चावल भी होने रख दिए थे, और गाइस एक सीटी में ही मैं बंद कर दूँगी क्योंकि आलू को मैंने उस हिसाब से काटा है कि वो एक सीटी में गल जाए। यहाँ पर मैं मोमोज चटनी बना रही थी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद
पसंद आई थी, तो वो अब हर चीज़ के साथ मोमो चटनी को प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं अंडे को भी फ्राई कर रही हूँ, एक टीस्पून ऑयल लेके पैन में, नॉनस्टिक है ये, तो इससे अश्योर होगा कि अंडे चिपकेंगे नहीं बेस बेस के। तो यहाँ पे अच्छे से आपको फ्राई करके और अपने जो करी है उसमें ऐड कर देना है। गाइस, करी की जो थिकनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। मैं हल्का सालन, थोड़ा हल्का गीला होता है मेरा सालन, कि हम लोग रोटी से और चावल से दोनों से प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे गार्निश कर रही हूँ मैं हरी धनिया से इसको, और रोटी के साथ ही खाऊंगी मैं, और राइस के साथ भी मुझे बहुत पसंद है। गाइस, बहुत ही टेस्टी और यमी बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए अपने अपने घरों में। बहुत ही सिंपल प्लेन है, आई होप सो सबके घर में बनती होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। हेलो गाइस, आज 10 तारीख हो गई, शूट नहीं कंटिन्यू कल नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि हम लोग को अनाउंसमेंट मिल गया था कि मतलब देयर विल बी अ लॉकडाउन टिल 3 डेज, मींस आज 10 तारीख है, तो आज रात 10 बजे से लॉकडाउन होगा 13 जुलाई तक के। तो वी वर इन द स्टेट ऑफ पैनिक कि मतलब व्हाट शुड वी डू नाउ, और अभी मतलब ऐसा कुछ बताया भी नहीं था। तो आज सुबह से थोड़ा बिजी भी थे हम लोग, और इस वजह से, और क्योंकि बारिश भी हो रही थी, और मेरे यहाँ जो काम करती हैं वो भी देर में आई थी, इस वजह से मुझे और थोड़ी देर हो गई थी। तो मैंने रात में एडिट भी नहीं करी मेरी वीडियो, और ना मैंने एक एंडिंग शूट करी थी। तो मैंने सोचा, अभी बैठी हुई थी, मैंने सोचा आज वीडियो मेरे को जैसे भी तैसे भी डालना ही है मेरा वीडियो, इस वजह से मैं एंडिंग शूट करने बैठी थी। और आज सुबह एक थोड़ा सा मेरे को लग भी गई थी कुकर की, जो कुकर होता है उसके बाजू में नमक का डब्बा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा उसको उठा लेती हूँ। जब वो उठाने गई तो वो चिपक गया, पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे जल्दी लगती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मतलब कम ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ गर्म लग जाती है। अब देखोगे कभी भी कहीं पे भी निशान नहीं है मेरे हाथ में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जल्दी नहीं लगती हैं चीज़ें गर्म, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, जल्दबाजी में सोच लो कैसा सोच लो वो लग गई मुझे। और बस यही कहना था मुझे, और ये वीडियो को यही मैं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, आपको ये जो रेसिपी मैंने शेयर करी है, और कोई भी सजेशन है मेरी वीडियो से लेकर तो मुझे ज़रूर करिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा आपको क्या देखना पसंद है, और कौन से टाइमिंग, सबसे पहली बात है मैं कौन से टाइम पे आप लोगों के लिए वीडियो डालूं। मैं 12 बजे के बाद डालती हूँ, जैसे 1 बज गया, कभी 2 बज गया अगर मैं देर हो गई, और अगर आप चाहते हो मैं रात में डालूं तो मुझे वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स पे बता दो कि आप कब फ्री होते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, और कौन सा टाइम बेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूं, उसी टाइम पे मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी, जो मतलब मेजॉरिटी रहेगी ना मैं उस हिसाब से करूंगी। तो यही एंड होता है मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आप लोग को मैं दूसरी वीडियो में मिलूंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, और उनको भी कहिए आगे शेयर करें, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरा चैनल फैमिली मेरी ग्रो हो सके, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, यू नो गाइस। तब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिए।